आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक बुलाई जिसमें चुनावों को लेकर समीक्षा की गई। आगे की रणनीति बनेगी और हम उस रणनीति पर आगे तेजी से काम करेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर दिल्ली से आए हुए हैं और ये समीक्षा बैठक लेने आए हैं। वहाँ से मंडल अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं, संगठन का जो काम हो रहा है। आप हैं पंकज सिंह जी, जो कि प्रदेश के संगठन मंत्री हैं और हमारे इस जोन के जो है प्रभारी हैं। आप संतोष श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं स्वयं भगवत सिंह राजपूत, लोकसभा का प्रभारी हूँ, प्रदेश समिति का सदस्य हूँ। आप जिले के जो है नवीन शर्मा, जिले के संयोजक हैं। आज जो यहाँ बैठक रखी है वो आठों विधानसभा जो उड़ीसा लोकसभा में आती हैं, आठों विधानसभाओं के जो विधानसभा प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। वहाँ पर हम लोगों की जो अभी तक 15 दिन से जो मंडल अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसमें कितना क्या हुआ है, कितने मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बारे में जो है बैठक बुलाई है। और आपके लिए चुनाव आ रहे हैं, चुनाव बदलने रखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए हर जिले में, हर लोकसभा में या विधानसभा में जितने भी मंडल पोलिंग सेंटर हैं उनके ऊपर एक इंचार्ज, जिनको कि हम लोग मंडल अध्यक्ष का नाम दे रहे हैं, उनको बनाने की प्रक्रिया पिछले 5 अप्रैल से शुरू हुई हुई है। डिटेल में आपको पंकज सिंह जी बताएंगे। मैं हूँ केंद्र सेंटर दिल्ली की तरफ से वो समीक्षा करने के लिए आया हूँ कि कितने मंडल अध्यक्ष बन गए हैं और क्या उसमें आगे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 2018 चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसकी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि हमें दोनों स्तर पर लगातार